please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. कहीं 80 किलो का पत्थर बड़े बड़े बाहुबलियों के पसीने छुड़ा देता है तो कहीं एक छोटा सा नारियल इंसान को चकर घिन्नी बना देता है। इसे बजरंग बली का करिश्मा कहते हैं तो उसे महादेव का चमत्कार। पहली कहानी एक शिवधाम की है। जिसके गलियारे में रखे पत्थर और इंसानों के बीच सदियों से जोर आजमाइश चली आ रही है। लोग कहते हैं कि यह पत्थर शिव शक्ति का छोटा सा नमूना है। इसीलिए इंसान पूरा जोर लगाकर भी इस मामूली से पत्थर को नहीं उठा पाता। बहुत से लोग आते हैं, पूरा दम भी लगाते हैं, लेकिन न जाने क्या करिश्मा है कि एक तय ऊंचाई के बाद बड़े बड़े बलवानों की हिम्मत भी जवाब दे जाती है। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ चमत्कार का एक पहलू है। दूसरा पहलू और भी हैरतअंगेज है। लोग कहते हैं कि अगर महादेव के नाम की हुंकार भरी जाए तो ये चमत्कारी पत्थर सिर्फ एक उंगली के दम पर उठ जाता है। दूसरी कहानी एक ऐसे चमत्कार की है जिसे इस वक्त देश के करीब 6 राज्यों में नमस्कार किया जा रहा है। लोग कहते हैं कि जमीन के नीचे कितना पानी है, किस हिस्से में पानी है, ये मशीनों से नहीं नारियल से पता चलता है। एक बाबा जी आते हैं, आसन सजाते हैं और गांव के लोगों को नारियल के ऊपर बैठा दिया जाता है। बाबा जी का चेला हाथों पर अगरबत्ती लेकर खेत के चक्कर लगाता है और जहां घूमता है नारियल वहीं से निकलता है पानी। तो चलिए आज देखते हैं उन चमत्कारों को, खुद आजमाते हैं उन शक्तियों को। और सुलझाते हैं वो पहेली जो सदियों से उलझी हुई है। क्या कोई आम इंसान 80 किलो का वजन उठा सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल उठा सकता है, लेकिन देश के खूबसूरत पहाड़ों के बीच एक ऐसा शिव मंदिर है जहां जाकर अक्सर लोगों की गलतफहमी दूर हो जाती है। शुरुआत में हमें भी लगा कि शायद ये कहानी सिर्फ लोगों का वहम है, सिर्फ एक अंधविश्वास जो लोगों पर हावी हो चुका है। इसलिए हमने फैसला किया कि वहां जाकर हम सिर्फ लोगों के दावों पर यकीन नहीं करेंगे, उस शक्ति को खुद आजमाएंगे। और अगर पत्थर वाकई नहीं उठा तो इस चमत्कार की एक ऐसी पड़ताल करेंगे जो इससे पहले कभी नहीं की गई। कितना भी दम लगा लो, कितनी भी जोर आजमाइश कर लो, लेकिन ये पत्थर घुटने से ऊपर नहीं उठने वाला। कहते हैं ऐसी कोशिश करने वाले यहाँ एक नहीं रोज हजारों आते हैं और खाली हाथ लौट जाते हैं।
आज एक कोशिश हम भी करके देखेंगे। आखिर क्या वजह है कि पूरी ताकत लगाने के बाद भी कोई इस शिला को उठा नहीं पाता। लेकिन महादेव का नाम लेते ही यह भारी भरकम पत्थर एक खिलौने की तरह उंगलियों से उठ जाता है। लोग इसे चमत्कार कहते, लेकिन हम इसे चमत्कार नहीं मानते। इस पहेली को सुलझाने के लिए आज हम कुछ ऐसा करेंगे जो उस शिवधाम में कभी नहीं हुआ। आस्था से जुड़ी इस पहेली को सुलझाने के लिए हम उत्तराखंड के लिए रवाना हो गए। जहां हमारी मंजिल थी दिल्ली से करीब 550 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ का मोस्टा मानो मंदिर। पहाड़ के आड़े तिरछे रास्तों से हम पिथौरागढ़ की तरफ बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में हम गुरना माता के मंदिर पर रुके। कहते हैं मोस्टा मानो से पहले गुरना माता का दर्शन जरूरी होता है, ताकि खतरनाक पहाड़ी रास्तों का सफर सुरक्षित और आसान रहे। गुरना माता मंदिर से चंद किलोमीटर आगे बढ़ते ही आगे की मुश्किलों का अंदाजा हो गया। टूटे फूटे रास्तों को पीछे छोड़ हम एक बार फिर पक्के रास्तों पर तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे थे और थोड़ी देर बाद हम पिथौरागढ़ में थे। अपने लंबे सफर के बाद आखिरकार हम पहुंचे हैं पिथौरागढ़ के मोस्टा मानो मंदिर में, क्योंकि इस मंदिर में छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के लिए हम भी उतावले हैं और उतना ही आप भी होंगे। चलिए हमारे साथ इस मंदिर की पड़ताल के लिए। मोस्टा मानो मंदिर का प्रवेश द्वार बेहद भव्य था। मंदिर परिसर में पहुंचते ही हमें एक बहुत बड़ा झूला दिखाई दिया। इतना विशाल झूला हमने आज तक कभी नहीं देखा था। कहते हैं जिस जगह आज ये लोहे का झूला है, यहां पहले भी देवदार पेड़ पर बना प्राकृतिक झूला था, जिसे मां काली से जोड़कर देखा जाता था। लेकिन हमारी दिलचस्पी तो महादेव के उस दरबार में थी जहां रखे एक पत्थर को करिश्माई बताया जाता है, जिसे उठाने के लिए ताकत की नहीं बल्कि शिव शंकर के प्रति आस्था की जरूरत होती है। हम उस जगह की तरफ बढ़े जहां इंसान और पत्थर में सदियों से जोर आजमाइश चल रही है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है, क्या यह पड़ताल वाकई उतनी आसान है जितनी लग रही है? ये मंदिर भगवान शिव के दूसरे मंदिरों की तरह ही था, लेकिन इसे अद्भुत बनाता है वो पत्थर जो इस शिवलोक के एक कोने में रखा गया है। जिस पत्थर को लेकर चमत्कार की तमाम कहानियां सुनाई जा रही थीं, वो एक शिवलिंग के आकार का था। लेकिन रंग रूप में ये एक सामान्य शिलाखंड जैसा ही लगा। जो ये शिला है इसके बारे में जो कहा जाता है वो हकीकत है या नहीं, इसके बारे में हम नहीं मानते, क्योंकि साइंस इस चीज को नहीं मानता, ये लोगों की आस्था है। और इस पत्थर की बनावट बड़ी विचित्र है, आप देख सकते हैं इस पत्थर की बनावट। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इसकी बनावट चारों ओर दिखाई जाए, क्योंकि इसकी जो लंबाई है पत्थर की वो लगभग 1.5 से 2 फीट के आसपास है और जो गोलाई है वो 1 से 1.25 फीट के आसपास है। और इसमें पकड़ने का कुछ ऐसा जगह नहीं है पकड़ने की, लेकिन ये पवित्र पत्थर यहाँ पर माना जाता है और कहा जाता है कि इस पत्थर को जो कोई उठा ले तो उसकी किस्मत बदल जाएगी, वो धनी हो जाएगा, वो राजा का जीवन जिएगा। ये पत्थर कहां से आया, इस मंदिर में कब से है, इसकी सही जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि हर सवाल के जवाब में लोगों के पास चमत्कार की कोई नई कहानी थी। तो ये नेपाल से ये पत्थर आया है,
एक उस समय डोटाली लोग कहने वाले थे नेपाली, तो डोका में ये पत्थर आया है। अब नेपाल से आप पत्थर आया तो उसने यहाँ पर पत्थर अपने पीठ में डोका से उतार के यहाँ पर रख दिया था, जो ये पत्थर यहाँ से हिला नहीं। अब ये मुश्ताक बाबा का ही रूप समझो या कोई शिला समझो, इसकी कहानी है। हमारी दिलचस्पी इन कहानियों में नहीं, पत्थर से जुड़े करिश्मे के उस दावे में थी जिसकी पड़ताल करनी थी, लेकिन उससे पहले पत्थर का वजन जानना बेहद जरूरी था। इसको हमने नापने की कोई कल्पना ही नहीं की है, इसका अंदाजा कोई लगा नहीं सकता है, क्योंकि ये तो शक्ति है, शिव रूपी है ये, इसको ये आस्था का प्रतीक है, इसको कौन तोलेगा, कौन नापेगा? इसका वजन हम तोल सकते हैं किसी तरह से? आप तोलना, आप तोल तो नहीं सकते हो, आप ये आस्था का प्रतीक है, कौन इसको तोलेगा? इसको तोलना तो ये बेकार की बात है, ये तोले नहीं जा सकता है। भगवान को कौन तोले? आप अपना आइडिया लगा सकते हो। जब पत्थर को तोलने से मना कर दिया गया तो हमने खुद वजन का अनुमान लगाने की कोशिश की। ये पत्थर लगभग एक क्विंटल के आसपास है, 80 किलो से लेकर एक क्विंटल के आसपास के पत्थर है। यहाँ पर कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उसी किस्मत वाले पत्थर को उठाने की, क्योंकि इसी के लिए हम आए हैं। इसमें कितने रहस्य हैं इसको हम जानना चाहते हैं, और उसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। आप देख सकते हैं कई लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अमूमन इसी पत्थर को कंधे से ऊपर उठाने की कोशिश की जाती है, और जो उसे उठा लेता है तो कहा जाता है कि वो एक किस्मत वाला है। तो इसी कोशिश को हम यहाँ पर दिखाएंगे। फिर पत्थर और इंसानों के बीच जोर आजमाइश का दौर शुरू हुआ। जिस पत्थर को कंधे तक उठाना है उसे कुछ लोग बड़ी मुश्किल से हिला ही पा रहे थे। ये शख्स जो है ये बाहर से आए हैं, और इन्होंने जब सुना है इस पत्थर के बारे में तो अब इन्हें इसे उठाने के लिए उत्सुक है, कोशिश कर रहे हैं कि ये पत्थर उठ जाए ताकि इनकी किस्मत बदल जाए। लेकिन कोई भी पत्थर को उठा नहीं पाया। कुछ ने तो इसे चमत्कार मानकर नमस्कार करने में ही भलाई समझी। कहते हैं कि ये पत्थर कब और किससे उठेगा ये सब मोस्टा बाबा यानी शिव शंकर तय करते हैं। कुछ ने बहुत कोशिश की तो मुश्किल से घुटने के ऊपर तक ही उठा पाए। देखिए हम लोग प्रयास से करते हैं, कभी उठता है कभी नहीं उठता है। आज जो है सच्चे मन से हम लोग मुश्ता देवता के यहाँ पे आए तो जो है कि मेरे से पहले प्रयास में ये उठ गया था। और वरना कई कबार ऐसा होता है कि अगर हम इसमें 10 बार 20 बार भी हम प्रयास करते हैं तो ये पत्थर नहीं उठ पाता है। हमें लगा कि आस्था की वजह से लोग कैमरे के सामने इस पत्थर को उठाने से बच रहे हैं, लिहाजा एक कोशिश हमने भी की। हम भी यहाँ पर एक कोशिश करेंगे, क्योंकि कई लोगों ने यहाँ पर कोशिश करी तो मैं भी चाहूँगा कि एक कोशिश करूँ इस पत्थर को उठाने की। तो सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा कि इसको सीधा कर लूँ, क्योंकि इसमें पकड़ने की कोई जगह नहीं है। ये एक चिकनाहट भरा पत्थर है, और इस पत्थर में जो है कई लोग रोज़ाना हाथ लगाते हैं तो इसकी चिकनाहट और ज़्यादा बढ़ गई है। मैं कोशिश करूँगा कि इसको खड़ा कर लूँ, और ये देखिए ये बड़े आराम से खड़ा मैंने कर लिया, और ये मेरी कोशिश थी कि इसको आसानी से पकड़ लूँ। हालांकि यहाँ पर पकड़ने का कोई ऐसी ग्रिप या कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जिससे मैं इसको उठा सकूँ। इसका वजन 80 किलो से ज़्यादा है, ये हम आपको बता दें, क्योंकि वजन ज़्यादा है। और मैं ये कोशिश करूँगा कि इसको उठाकर अभी ये देखूँ कि क्या ये मुझसे कितना उठ पाता है, या फिर मैं अगर मैं किस्मत का धनी हूँ तो कितना उठा पाऊँगा। इससे ज़्यादा वज़न मैं भी नहीं उठा सकता, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा और भारी पत्थर है, और चमत्कार इसमें हालांकि लोगों का यह है दावा है, तो मैं सिर्फ इसे लगभग 1 फीट के आसपास उठा सका, और उसकी वजह से मेरी कमर में जो है काफ़ी जोर से दर्द हुआ है।
इससे ये तो साबित हो गया कि पत्थर वाकई भारी है और इसे घुटने तक उठाना भी मुश्किल है। अब दावे से जुड़े दूसरे पहलू की पड़ताल का वक्त आ गया था। अगर कोई पहलवान भी आता है तो उठा नहीं पाता है, दुबला पतला भी उठा देता है। और दूसरी बात ये भी है, इसमें 9 आदमी की 9 ये वाली उंगलियों को आप टच करोगे, इसका नाम लोगे, ऑटोमेटिकली उठेगा। बताया जाता है कि इसको अकेला आदमी तभी उठा सकता है या फिर वो काफ़ी हिम्मती हो या फिर भाग्यवान हो, क्योंकि उसकी किस्मत तभी बदलती है। लेकिन अगर 9 लोग मिलकर एक एक उंगली से इसे उठाने की कोशिश करें, प्रयास करें, तो ये बहुत जल्दी ऊपर उठ जाता है। हम भी एक कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ 9 लोगों की टीम है और मैं भी इसमें अपने वाहन चालक नगरपाल भी मेरे साथ हैं, मेरे कुछ यहाँ के साथी हैं, इन सबको साथ मिलकर मैं एक एक उंगली से इस पत्थर को ऊपर उठाने की कोशिश करूँगा। अब कुल 9 लोग अपनी 2-2 उंगलियों से पत्थर को उठाने के लिए तैयार थे। आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर अपनी जो अकेली ये सिंगल जो उंगलियां हैं इनको लगाकर हम नीचे रख रहे हैं। इस पर पूरा हथेली के साथ ये नहीं उठाया जाएगा, सिर्फ उंगलियों के सहारे से उठाने की हम कोशिश करेंगे। तो देखते हैं ये हमसे उठता है या नहीं। ये देखिए ये हमने कोशिश करा है लेकिन थोड़ा सा उठा है, और ये हमारी कोशिश जो है पहली बार में थोड़ी विफल कही जाएगी। पहली बार में फेल होने के बाद लोगों के कहने पर एक और कोशिश की गई, और इस बार वाकई 18 उंगलियों के दम पर 80 किलो से ज्यादा भारी पत्थर सीने की ऊंचाई तक उठ गया। हैरत इस बात पर थी कि जो पत्थर पूरी बाजुओं की ताकत से नहीं उठा, उसे 9 लोगों ने अपनी 2-2 उंगलियों के दम पर कैसे उठा लिया। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमने दिल्ली में एक तर्कशास्त्री से मुलाकात की, जिसने बताया कि ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि फिजिक्स के एक फॉर्मूले का असर है। आपको कितना आया? 9 लोग ने, आपने बोल रहे हैं 9 लोग ने उठाया, आपके सामने 18 फिंगर लगाया, 90 के 18 से भाग कीजिए, 5 केजी रह जाते हैं एक एक अंगली पे। आप देखिए 5 केजी एक अंगली में आप आराम से उठा सकते हैं। एक 5 केजी का डब्बा आप सीधा रखिए और आप उठा सकते हैं, तो इसमें कोई चमत्कार नहीं है। जैसे ही आप वजन को, वो जो 90 केजी वो एक फोर्स है, फोर्स को जब आपने बांट दिया बहुत सारे पॉइंट में, लेकिन इसमें एक ही ध्यान देना पड़ेगा, जैसे जब उठाएंगे लोग, मैं उठा रहा हूँ तब दूसरा लोग नहीं उठा रहा है तब नहीं होगा, सभी को एक साथ वो उठाने का जो जोर देना पड़ेगा, एक साथ देना पड़ेगा। यानी विज्ञान के मुताबिक 18 उंगलियों पर 90 किलो का पत्थर उठाना कोई चमत्कार नहीं बल्कि भौतिक विज्ञान के फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का एक नमूना है। ये साबित करने के लिए हमारे सामने 80 किलो के वजन को 12 उंगलियों की मदद से ठीक वैसे ही उठाया गया जैसे मोस्टामानो मंदिर में उस पत्थर को उठाया गया था। मंदिर में करीब 90 किलो के वजनी पत्थर को 9 लोगों ने अपनी 2-2 यानी कुल 18 उंगलियों से उठाया था, और दिल्ली में 80 किलो के वजन को महज 12 उंगलियों पर ही उठा लिया गया। चमत्कार की सारी हकीकत अब हमारी नजरों के सामने थी। हमारी अगली कहानी जिस चमत्कार से जुड़ी है उसकी हर एक तस्वीर आपको गौर से देखनी होगी, क्योंकि यकीन मानिए आने वाली हर तस्वीर आपके भी होश उड़ा देगी। ये कहानी एक ऐसे चमत्कार से जुड़ी है जो इन दिनों देश के करीब 6 राज्यों में सनसनी मचा चुका है। हमारा संपर्क हुआ राजस्थान के कुछ लोगों से, जिन्होंने बताया कि यहां जमीन के नीचे पानी का पता लगाने के लिए बजरंग बली का सहारा लिया जा रहा है। एक बाबा जी आते हैं, खेत के मालिक को एक नारियल पर बिठाते हैं। बाबा जी का एक चेला हाथ में अगरबत्तियां लेकर खेत के चक्कर लगाता है, और जमीन के जिस हिस्से में पानी मौजूद होता है नारियल पर बैठा शख्स जोर जोर से घूमने लगता है। शुरुआत में हमें लगा कि शायद ये सब कुछ कोई ढोंग होगा, लेकिन जब सब कुछ अपनी आंखों से देखा तो होश उड़ गए।
आप सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ कोई मजाक है। सिर्फ मंत्र बोलने से नारियल कैसे घूम सकता है? सिर्फ अगरबत्तियां सुलगाने से जमीन में पानी का पता कैसे लग सकता है? शायद ये सब कुछ आंखों का धोखा है या किसी बाबा का कोई पाखंड। हम भी इसी गलतफहमी में थे, लेकिन तब तक जब तक इस दावे को अपनी आंखों से नहीं देखा था, इस दावे की वैज्ञानिक पुष्टि नहीं की थी। लेकिन उस फर्क को समझने के लिए हमें खेल को शुरुआत से देखना होगा, जो शुरू होता है राजस्थान के खूबसूरत शहर जोधपुर से। हम पहुंचे हैं राजस्थान के जोधपुर में, और राजस्थान के इस इलाके में लोगों को पानी का पता जब लगाना होता है तो वो विज्ञान पर कम भरोसा करते हैं, बल्कि अपनी मान्यता के मुताबिक वो एक परंपरागत तरीके को अपनाते हैं, और वो तरीका है जमीन पर नारियल घुमाकर। लेकिन इसकी आखिर हकीकत क्या है और इस पूरी प्रथा के पीछे का फसाना क्या है, आज जानेंगे। ये इलाका रेगिस्तान के बहुत करीब है, पानी की बेहद तंगी है, सिंचाई के लिए किसान ट्यूबवेल लगवाते हैं, लेकिन ट्यूबवेल खेत के किस हिस्से में लगवाना है इसके लिए न मशीनों की जरूरत पड़ती है न इंजीनियर्स की, सहारा लिया जाता है एक बाबा का, लकड़ी की चौकी का, एक नारियल और कुछ अगरबत्तियों का। जोधपुर में हमें जरूरत थी किसी ऐसे शख्स की जो ट्यूबवेल के लिए बाबाओं की शक्तियों का सहारा ले रहा हो। तभी जानकारी मिली जोधपुर से चंद किलोमीटर दूर एक तहसील बावड़ी की, जहां आज ये आजमाइश होने वाली थी। इस इलाके में जमीन के नीचे छिपा पानी किसी खजाने से कम नहीं है। किसानों के पास जमीन में पानी का पता लगाने के दो तरीके हैं। पहला वैज्ञानिक तरीका, जो बहुत महंगा है और पानी मिलने की कोई गारंटी भी नहीं है, और दूसरा तरीका बाबाओं का चमत्कार, जो सस्ता भी है और पानी मिलने की शर्तिया गारंटी भी है। गांव के आसपास पूछताछ की तो हर जबान पर उसी चमत्कार का दावा था। हम लोग तो क्या है, नारियल लेके उसमें अगरबत्ती ले घूमते हैं और एक बंदा नारियल पे बैठाते हैं, तो जहाँ पर पानी होगा वो नारियल पर बैठा हुआ आदमी ऑटोमेटिक घूमेगा। 99% यही चलता है। साइंटिफिक टेस्ट क्यों नहीं कराते हैं? पैसा लगता है और नई जानकारी भी नहीं है पब्लिक को। अब तक जो कुछ भी सुना था, अब उसे खुद आजमाने की बारी थी। हमारी मुलाकात गांव के कुछ लोगों से हुई। बताया गया कि गंगाणी गांव में चमत्कार की वो महफिल आज भी सजेगी, जिसके लिए हम मिलने पहुंचे इलाके के मशहूर बाबा चंद्राराम से। पूजा पाठ खत्म हुआ तो हम भी बाबा चंद्राराम के साथ गांव के खेत की ओर रवाना हुए। इस खेत के मालिक ने जमीन में पानी का सही ठिकाना तलाशने के लिए ही बाबा को बुलवाया है। बाबा चंद्राराम ने आसन सजा लिया, उनके सहयोगी बाबा लाला राम ने एक हवन कुंड तैयार किया और पूजा पाठ की तैयारी शुरू हो गई। सामने एक लकड़ी की चौकी रखी गई, चौकी पर कुछ फूल थे और फूलों के बीच एक नारियल रखा हुआ था। चमत्कार का खेल बस शुरू होने वाला था। जौरीलाल जी के खेत में अब उनके परिवार के एक सदस्य हाथ में अगरबत्ती लेकर खड़े हैं। इनका दावा यह है कि पूरे खेत में अगरबत्ती लेकर ये घूमेंगे, जहां पर भी पानी का स्रोत होगा इसी पूजन सामग्री के सामने रखी हुई नारियल चौकी पर कुछ तेजी से घूमने लगे। सारी सामग्री सामने है, दावा यह है कि जहां पानी का स्रोत जितना ज्यादा होगा नारियल पर बैठा हुआ इन्हीं के परिवार का वो सदस्य उतनी ही तेजी से इस पर घूमने लगेगा। किसान के परिवार के ही एक सदस्य को नारियल पर बैठाया गया।
नारियल पर बैठने का भी एक खास तरीका था। उस शख्स ने नारियल को पैरों के पंजे से दबाया और संतुलन बनाकर शरीर का सारा बोझ उस नारियल पर डाल दिया। परिवार का एक दूसरा सदस्य हाथों में अगरबत्तियां लेकर खेतों की तरफ निकल पड़ा। दावे की माने तो यह शख्स एक सेंसर की तरह काम करेगा। खेत के जिस हिस्से में पानी का स्रोत सबसे ज्यादा होगा, नारियल पर बैठा इंसान उतनी ही तेजी से घूमने लगेगा। हाथों में अगरबत्ती लिए वो शख्स खेत के अलग अलग हिस्सों में चहलकदमी करने लगा। कैमरे की निगाहें इस चौकी पर टिकी थी। बेकरारी इस बात की थी कि क्या ये नारियल वाकई घूमेगा। लेकिन तभी एक हैरतअंगेज तस्वीर दिखी। वो नारियल वाकई घूमने लगा। एक बार तो ऐसा लगा जैसे वो शख्स अपने अंगूठे के सहारे जानबूझकर नारियल को घुमा रहा। लेकिन चंद पलों में ही ये शक भी दूर हो गया। क्या आप बताएंगे, आप खुद घूमने की कोशिश कर रहे हैं इस पर बैठकर? नहीं नहीं, नारियल घूम रहा है, नहीं घूम रहा। आप पूरी ताकत से उसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, दबाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या महसूस हो रहा है आपको? घूम रहा है नारियल, प्रेशर से घूम रहा है। मैं तो अपनी जगह पर बैठा हूँ, मैं किसी को पकड़ा नहीं हूँ और ये घूम रहा अपना भी। अब इनका दावा है कि ये सिर्फ अपना संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये नारियल घूमता जा रहा है। कभी नारियल की रफ्तार कम होती तो कभी अचानक बढ़ जाती। ये तस्वीरें देखकर हम भी सन्न रह गए। इतना साफ था कि जिस कहानी को हम सिर्फ एक अंधविश्वास मानकर निकले थे, वो रहस्य इससे कहीं ज्यादा गहरा था। नारियल पर बैठे शख्स को घूमता देखकर हमने भी एक चक्कर चलाया। फैसला किया कि चमत्कार के इस खेल के कायदे कानून सिर्फ बाबा जी तय नहीं करेंगे, इसलिए हमने उस चौकी पर कुछ और लोगों को बिठाया। ये शख्स इसी गांव का है, लेकिन नारियल के चमत्कार को पहली बार आजमाने जा रहा है। हवन कुंड और बालाजी को प्रणाम करने के बाद उस शख्स को नारियल पर बैठाया गया। दूसरे शख्स ने हाथों में अगरबत्ती लेकर दोबारा चहलकदमी शुरू कर दी, लेकिन अचानक कैमरे पर नई हरकत दिखाई दी। देखते ही देखते ये नौजवान भी चक्कर खाकर गिर गया। इस तस्वीर को थोड़ा स्लो मोशन में देखा तो ये साफ था कि इस शख्स ने जानबूझकर घूमने की कोशिश नहीं की, वो सिर्फ सहारा लेने के लिए चौकी को पकड़ रहा था। ऐसा लगा जैसे कोई शक्ति वाकई उसे घुमाने की कोशिश कर रही थी। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि ना हम कुछ समझ पाए, न चौकी पर बैठे इस शख्स को कुछ पता चला। बहुत तेज घूम रहा था, पहले मैं बैठा था बिल्कुल फ्री, जैसे ही नारियल वो बहुत तेज घूमने लगा है, मतलब चक्कर आने ऐसा महसूस हो रहा है। अच्छा, मैं ना पहली बार बैठा हूँ। क्या ऐसा तो नहीं कि आपने हाथ से उसे थोड़ा घुमाने की कोशिश की हो चौकी को? बिल्कुल नहीं सर, जैसा आप देख रहे हैं मैं बिल्कुल मतलब बहुत तेज गति से घूमने लग गया। हमने जो भी देखा वो सच तो था, लेकिन शायद पूरा सच नहीं। सोचा क्यों ना पड़ताल को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए और हम खुद इस खेल का हिस्सा बनकर देखें कि नारियल वाकई घूम रहा है या इसे जानबूझकर घुमाया जा रहा है। अब मेरे सहयोगी अभिषेक खुद इस नारियल पर बैठकर देखेंगे कि आखिर इन दावों की हकीकत क्या है। हमारी टीम के सदस्य अभिषेक उस चौकी की तरफ बढ़े और वही किया जो बाबा ने करने को कहा। दोनों पैरों को मोड़ा और नारियल पर संतुलन बनाकर बैठ गए। बाबा ने जाप शुरू किया और लोगों ने चमत्कार का इंतजार। कुछ देर तो कोई हरकत नहीं हुई, पर अचानक वो नारियल उस चौकी पर घूमने लगा।
अभिषेक उस नारियल को अपने पैरों से रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन इस कोशिश में संतुलन बिगड़ा और यहां भी बाबा का दावा सच साबित हुआ। मुझे खुद समझ में नहीं आया, अचानक कुछ लगा जैसे कुछ मुझे घुमा रहा है इस पर। अब हालांकि मैं पूरा पता नहीं कितना घूम पाया, आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन कुछ ऐसा लगा कि अंदर कुछ फोर्स मिल रहा है और जो मुझे घुमाने की कोशिश कर रहा है। लोग बदलते रहे लेकिन तस्वीर नहीं बदली। हम सच तलाशना चाहते थे और यहां के लोग इस चमत्कार को साबित करने में जुटे थे। खेत के जिस हिस्से में पानी मिलने का सबसे ज्यादा संकेत मिला, उस जगह पर निशान बनाया गया और बाबा जी ने हुक्म दिया कि इस जगह पर ट्यूबवेल लगवाया जा सकता है। आप भी ये जानना चाहेंगे कि आखिर बाबाओं के चमत्कार का सच क्या है, नारियल घूमता क्यों है, और सबसे बड़ी बात कि जहां बाबा ने बताया था, क्या उस जगह पर वाकई पानी मौजूद है। इस सच का पता लगाना हमारे लिए मुश्किल काम नहीं था। हमने उस संस्था से संपर्क किया जो जमीन के नीचे पानी का पता लगाती, उनकी टीम बुलवाई, उनकी मशीनें मंगवाई और ठीक उसी जगह पर परीक्षण करवाया जहां बाबा ने पानी की मौजूदगी बताई थी। लेकिन इस परीक्षण की रिपोर्ट आई तो हम भी हैरान रह गए। चमत्कार का ऐसा चक्कर कि किसी का भी सिर चकरा जाए। क्या जमीन के नीचे पानी हो तो कोई नारियल अपने आप घूम सकता है? अगर नहीं घूम सकता तो जो तस्वीरों में देखा उसकी हकीकत क्या है? बहुत देर तक हम इस पहेली में उलझे रहे। फिर ख्याल आया कि क्यों ना उस जगह पर पानी का वैज्ञानिक परीक्षण कराया जाए जहां बाबा चंद्राराम ने ट्यूबवेल लगवाने की सलाह दी थी, यानी वही जगह जहां नारियल पर बैठा आदमी सबसे तेजी से घूम रहा था। गांव वालों ने उस जगह पर एक निशान बनाया था और वही निशान अब हमारे लिए इस पहेली को सुलझाने का सबसे बड़ा जरिया था। हमने जमीन में पानी का पता लगाने वाली संस्था से संपर्क साधा, उनसे गुजारिश की कि वो खेत के उस हिस्से में पानी की मौजूदगी का पता लगाए, लेकिन इसके लिए हमें इंतजार करना था अगली सुबह का। हम तय वक्त पर खेत के उस हिस्से तक पहुंच गए। कुछ ही देर में टेक्नीशियन की टीम भी आ पहुंची। बिना वक्त गवाए इस टीम ने अपने उपकरणों को सजाना शुरू कर दिया। बताया गया कि इन उपकरणों की मदद से यह पता लगाया जा सकता है कि जमीन में किस हिस्से में पानी की मौजूदगी सबसे ज्यादा है, पानी कितनी गहराई पर मिलेगा, पानी खारा है या मीठा है। अपने परीक्षण के बाद यही टीम गांव के लोगों को निर्देश देती है कि ट्यूबवेल कहां लगाया जाए। इस टीम के पास एक्वामीटर नाम की जो मशीन है वो पानी का पता लगाने के लिए सबसे कारगर मानी जाती है। ये मशीन जमीन के भीतर रेजिस्टेंस को मापती है और करीब 1000 फीट तक की गणना कर सकती है। जिससे जमीन में करंट पास करते हैं उससे करंट से पता चलेगा नीचे क्या है, इसमें पानी है नहीं है, खारा है मीठा है, कितना पानी मिलेगा वो सब पता चलेगा। इस टीम ने जमीन के उस हिस्से की पूरी पड़ताल की और बताया कि एक दिन के इंतजार के बाद वो हमें रिपोर्ट सौंप देंगे, जिससे साफ होगा कि बाबाओं के चमत्कार में कितनी हकीकत है और कितना फसाना। मैं तो कुछ ऐसा लगता नहीं है भाई, ऐसा होता है। अगर पानी होता है, किस पानी किस चीज़ को मानते हो, मतलब पानी क्वांटिटी तो होनी चाहिए, कितना इतने इससे ज़्यादा होने पे घूमेगा या इतना कम होने से घूमेगा। पानी यहाँ खोदोगे पानी मिलेगा, 5 फुट आगे खोदोगे पानी तो मिलेगा ही, कहीं भी खोदो पानी तो मिलना ही है, और कम और ज़्यादा है वो देखना है अपन को जमीन के अंदर। जैसे जैसे हम लोग दूर दूर जाते हैं वैसे वैसे ये गहराई में चले जाते रहे, तो हम लोग 1000 फुट तक इसका पानी का हम वाटर लेवल देख सकते हैं, जिसमें आप क्वालिटी देख सकते हैं पानी का, क्वांटिटी देख सकते हैं कितना डेप्थ में पानी है,
और कैसा पानी मिलेगा, खारा मीठा पानी मिलेगा, और इसमें हम ये भी बताते हैं कि कितने का पंप लगेगा, कितने का इंस्टॉल करना पड़ेगा, बोरवेल करना पड़ेगा, डगवेल बनाना पड़ेगा आप लोगों को। रिपोर्ट के इंतजार के बीच हमने पड़ताल जारी रखी। हम जोधपुर विश्वविद्यालय में भूगर्भ विज्ञान के प्रोफेसर से मिलने पहुंचे और इस चमत्कार का सच जानने की कोशिश की, जिन्होंने बताया कि जितना मुश्किल इस चमत्कार को अपनाना है उतना ही मुश्किल इसे खारिज कर देना भी। ये लोग बिल्कुल कई बार सही अनुमान भी लगा लेते हैं कि यहाँ ग्राउंड वाटर है, और इसके पीछे कुछ फिजिक्स के प्रिंसिपल हो सकते हैं या एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप होता है या ग्रेविटी एनोमली वहाँ पे होती है जो नारियल को घुमाने का काम कर रही है, इस तरह के कुछ प्रक्रियाएं हो सकती है, लेकिन इस पे शोध होना चाहिए। हम सच और फरेब के बीच उलझे ही थे कि इंजीनियर्स के सर्वे की रिपोर्ट आई जिसने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। इस रिपोर्ट में साफ लिखा था कि किसान जौहरी लाल के खेत में जिस चमत्कार का दावा हुआ था उस हिस्से में पानी वाकई है। बताया गया कि पानी 295 फीट की गहराई पर मिलेगा, लेकिन उस जगह पर नलकूप यानी ट्यूबवेल लगाने की सलाह नहीं दी जा सकती। मतलब ये कि बाबा चंद्राराम ने अपने चमत्कार के बाद जिस जगह पर ट्यूबवेल लगवाने की सलाह दी थी वो गलत थी। नारियल घुमाने के बाद लोगों ने आके बताया कि साहब पानी तो नहीं मिला वहाँ, तो अब आप एक बार सर्वे कर दीजिए। फिर हमने सर्वे किया तो भाई उन्होंने कहा कि नारियल घुमाने से उन्होंने कहा था पानी मिलेगा और हमें नहीं मिला। फिर हमने जाके सर्वे किया, फिर हमने उनको वास्तु स्थिति बताई। एक मुश्किल दूर हो चुकी थी लेकिन एक पहेली अब भी बाकी थी कि आखिर वो नारियल घूमा कैसे। इस जवाब की तलाश में हमने जाने माने वैज्ञानिक गौहर रजा से मुलाकात की और पता चला कि डाउजिंग की ये तकनीक विज्ञान की नजर में बेमानी है। नारियल के ऊपर बैठने में अगर आपने अपने को बैलेंस कर लिया ना, नारियल पे गिर नहीं पड़े, जो आपके इसमें दिखाई दे रहा है बहुत जगह विजुअल्स में कि वो जो बैठा है वो गिर जाता है मूवमेंट के बाद, तो वो मूवमेंट किसी न किसी डायरेक्शन में, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो बहुत स्टेबल चीज़ नहीं है, उसमें हाथ हैं पैर हैं अलग अलग मूवमेंट्स हैं जो स्टेबल नहीं रह सकते हैं, उसमें कोई ना कोई मूवमेंट ज़रूर होगा। अब उस मूवमेंट को आप एंटी क्लॉकवाइज को कुछ नाम दे दीजिए, क्लॉकवाइज को कुछ और नाम दे दीजिए, तो वो मूवमेंट का मकसद और मतलब बन जाता है। मतलब ये कि नारियल का घूमना सिर्फ एक वहम है। अंधविश्वास में डूबे लोग या तो अनजाने में घूमने लगते हैं या फिर बाबाओं के दावे में फंसकर इस चमत्कार पर यकीन करने लगते हैं। यानी इस कहानी में हकीकत कम और फसाना ज्यादा है। जमीन के नीचे पानी होना एक आम बात है, बाबाओं का तुक्का कभी लगता है कभी नहीं लगता, अंदाजा गलत निकला तो बताने के लिए कई वजहें होती। रही बात नारियल के घूमने की, तो ये सब कुछ सिर्फ लोगों का वहम है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत आधा फसाना।